हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ स्ट्रीम मास्टर कंपनी का एरिना 20 मॉडल। ये जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर के बारे में पूरा डिटेल्स जो स्पेसिफिकेशन है वो बताऊंगा, साथ ही साथ एक बेसिक कनेक्शन बताऊंगा किस तरीके से इसमें आप स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, कितना लोड दे सकते हैं, और अंत में बात करेंगे इसका प्राइस का कि इसका कितना प्राइस अप्रॉक्सीमेट मार्केट में आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं इसका सीधा बैक पैनल के बारे में बताऊंगा क्योंकि फ्रंट पैनल में ज़्यादा कुछ बताने का रहता नहीं है, बस दो चैनल का आपको वहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलता है और स्विचेस मिल जाते हैं जहाँ पे आपको ऑन ऑफ करने का पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो बैक पैनल में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। बैक पैनल में यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको दो कूलेंट मिल जाएंगे, कूलेंट फैन मिल जाएंगे, दोनों जोन के लिए इंडिविजुअली दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको एसी इनलेट का सॉकेट मिल जाता है जिसके अंदर में, मतलब जस्ट नीचे में आपको एक फ्यूज़ मिल जाता है जो कि रिमूवेबल रहता है। जब भी कभी आपका सेट, आपका एम्पलीफायर डेड हो जाए या फिर बंद पड़ जाए तो वो क्या करेंगे, उस टाइम पे आप एक बार फ्यूज़ चेक कर लीजिए कहीं आपका फ्यूज़ ब्लोन आउट ना हो गया हो। तो यहाँ पे आपका सप्लाई सेक्शन एक तरीके से हो जाता है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ सेलेक्टर स्विचेस दिए हुए हैं। तो ये स्विचेस में आपको अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले इस राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे लो कट दिया है। लो कट का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका लो फ्रिक्वेंसी कट हो जाता है जब आप इसको ऑन करेंगे, तब अगर ऑफ करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन जिस तरीके से एम्पलीफायर चलता है लो मिड और हाई तीनों फ्रिक्वेंसी में चलेगा। बाकी अगर कोई डिस्टॉर्शन आपको ज़्यादा लग रहा है, कहीं पे ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, उसको कट करने के लिए आप ये लो कट बटन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मोड। मोड इसमें आपको तीन मोड मिल जाता है। क्या क्या दिया है इसमें, आपका स्टीरियो, पैरेलल और ब्रिज दिया है। स्टीरियो का मतलब होता है कि आपका दोनों चैनल इंडिविजुअली काम करेगा। पैरेलल का मतलब होता है कि आपका एक चैनल से ही आपका दोनों चैनल ऑपरेट होगा, बट आउटपुट आपको दोनों मतलब इनपुट आपका एक ही चैनल से आएगा और आउटपुट आप दोनों जो चैनल है उसको उससे इंडिविजुअली ले सकते हो, बट कंट्रोल भी एक ही चैनल से होता है। ठीक है, और ब्रिज जो रहेगा, ब्रिज में क्या रहता है कि आपका दोनों चैनल को जोड़ के एक मोनो चैनल, मतलब एक तरीके से एक चैनल बना दिया जाता है। और उसमें क्या रहता है, दोनों का जो आउटपुट रहता है एक ही चैनल से होगा और इनपुट भी एक ही चैनल से होगा, जो कि हमारे इस एम्पलीफायर के केस में चैनल ए या फिर वन से होता है। ठीक है, कोई भी एम्पलीफायर में जो मास्टर चैनल होता है वो तो चैनल ए होता है या फिर चैनल वन होता है। ठीक है, जो पहला चैनल रहता है वो होता है। ब्रिज मोड में आप अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं तो आपको इनपुट भी एक ही चैनल में देना है और आउटपुट भी, पूरा जो आउटपुट रहेगा वो भी एक ही चैनल से देना है। सपोज अगर एग्जांपल लेते हैं, एक चैनल 1000 वाट दे रहा है, दूसरा चैनल 1000 वाट देता है, तो ब्रिज मोड में आपका दोनों चैनल को मिला के 2000 वाट समथिंग कुछ आएगा और वो आपका एक ही चैनल से आउटपुट जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन कब में अप्लाई होता है, जब आपके पास एम्पलीफायर छोटा हो और आपके पास स्पीकर ज़्यादा बड़ा हो। स्पीकर ज़्यादा बड़ा होने का मतलब आपका एक चैनल में वो स्पीकर ना चल सके, तब आपको ब्रिज मोड में कनेक्ट करके आपको ये चलाना चाहिए। उसके बाद सेंसिटिविटी दिया है। सेंसिटिविटी में आपको 0.775 दिया हुआ है और 1.45 समथिंग कुछ दिया हुआ है। तो ये जो है सेंसिटिविटी वाला जो सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है, ये अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का इनपुट इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इसको समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लिमिटर स्विच। ये जो लिमिटर स्विच रहता है, ये इसमें आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। लिमिटर स्विच क्या करता है, जब भी आपका सिग्नल किसी तरीके से ज़्यादा आपने इसमें इनपुट प्रोवाइड कर दिया होगा, तब ये लिमिटर जो रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए आगे का सप्लाई रोक देता है, या फिर किसी कारण से आपका जो वोल्टेज है उसमें कुछ स्पाइक सिग्नल्स आएंगे तो उसके कारण से भी कभी कभार आपका जो सिग्नल, जो मेन सिग्नल रहता है वो बढ़ जाता है और उसके कारण से आपका जो एम्पलीफायर है वो ख़राब हो सकता है, फिर स्पीकर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उस कंडीशन में ये अगर ये ऑन रहेगा तो ये आपका जो मतलब लिमिटर स्विच ऑन रहेगा तो आपका जो स्पीकर रहेगा उसको बचा सकता है और आपका एम्पलीफायर को भी डैमेज होने से बचा सकता है। उसके बाद नीचे में देखेंगे दोस्तों तो नीचे में आपको दोनों चैनल का इंडिविजुअली इनपुट और आउटपुट सॉकेट्स मिल जाते हैं। इसमें मेल टू फीमेल XLR दिया हुआ है इनपुट के लिए, और आउटपुट के लिए यहाँ पे आपको स्पीकॉन दिया हुआ है। ठीक है, स्पीकॉन कनेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे स्पीकॉन कनेक्टर का जो आपको वायरिंग है मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। और जो इसमें इनपुट, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इनपुट दिया लिखा हुआ है, ये इनपुट में क्या होगा आपका, इनपुट से आप इसमें जो भी सिग्नल आपका मिक्सर से कहीं से भी आप जो इनपुट ले रहे हैं, मतलब जो म्यूज़िक बजाना चाह रहे हैं इसमें देना चाह रहे हैं, वो आप इस इनपुट वाले कनेक्टर में डाल सकते हैं। जबकि जो लिंक करके जो लिखा है ना, लिंक का मतलब क्या रहता है, लिंक का मतलब ये रहता है कि इस मतलब इस चैनल, इस पर्टिकुलर चैनल से आपको किसी और को
किसी और एम्पलीफायर को अगर आपको सिग्नल वही देना हो तो आप इसको लिंक कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप देख के उसके इनपुट में डाल सकते हैं। इसको कैस्केडिंग बोला जाता है, कैस्केडिंग के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और बीच में देखेंगे यहाँ पे ग्राउंड स्विच दिया हुआ है, जब ये ऑन रहता है तो आपका जो ये XLR पिन है उसका एक नंबर जो पिन रहता है वो इसकी चेचिस के साथ अटैच हो जाता है, जिसके कारण से आपका कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, और ऑफ रहेगा तो ये आपका जो एक तरीके से ये आइसोलेटेड रहता है एक नंबर पिन, ठीक है। सो गाइस ये बैक पैनल के बारे में था। सो गाइस कुछ स्पेसिफिकेशन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, ये इसकी जो पावर वाटेज है उसके बारे में। तो ये जो एम्पलीफायर है आपको दो चैनल का एम्पलीफायर है, तो ये 2 ओम्स में जो आपका RMS वैल्यू इसमें दिया है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ एट द रेट ऑफ 1% THD, मतलब टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के 1% में ये आपको 1000 वाट देता है पर चैनल। एक चैनल में 1000 वाट, दूसरे चैनल में भी 1000 वाट, मतलब 2000 वाट का आउटपुट देता है। और 2 ओम्स में अगर 1 किलो हर्ट्ज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 1800 वाट पर चैनल देता है। 4 ओम्स में देखेंगे 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के हिसाब से अगर ये 8 ओम्स देता है पर चैनल, और वही चीज़ 4 ओम्स में अगर 1 किलो हर्ट्ज़ में देखेंगे तो ये आपको 1250 वाट पर चैनल देता है, ठीक है। मतलब ये 1250 वाट एक चैनल में और दूसरे चैनल में 1250 वाट, तो टोटल आपका कितना हो गया 12 12 आपका 24, ये आपका 2300 वाट टोटल देता है, ठीक है। 8 ओम्स में देखेंगे तो 8 ओम्स में आपको 500 वाट देता है पर चैनल 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच पर, और अगर आप इसको 1 किलो हर्ट्ज़ में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आपको 755 वाट देता है, ठीक है, पर चैनल में 755 वाट देता है। तो दोस्तों अब इसका जो ब्रिज मोड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिज मोड में आपको 4 ओम्स में 2000 वाट देता है। अब ये ब्रिज मोड का मतलब इसमें आपका अलग अलग चैनल नहीं रहेगा, एक ही चैनल रहेगा जो कि चैनल 1 या फिर चैनल ए होगा। इसमें क्या रहेगा, आपका जो इनपुट भी एक ही चैनल से रहेगा और आउटपुट भी एक ही चैनल से रहेगा, ठीक है। तो जो आपको जो भी आपका 4 ओम्स में जो बन रहा है आपका, मान लीजिए 4 ओम्स का कोई इक्विवेलेंट इंपेडेंस का आपका स्पीकर है और उसका जो वाटेज है 2000 या फिर 1500 वाट समथिंग कुछ उसके करीब करीब है, तो आप इसको एक चैनल में कनेक्ट कर लीजिए। तो और उसके बाद अगर 4 ओम्स अगर 1 किलो हर्ट्ज़ के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3600 वाट मिल जाता है, और 8 ओम्स में आपको 1600 वाट मिलेगा, वही चीज़ 1 किलो हर्ट्ज़ के हिसाब से देखेंगे तो 2500 वाट आपको मिलता है, ठीक है। डैम्पिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 8 ओम्स ये आपका ग्रेटर देन 200:1 है, और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ से जो कि -3 dB के अप्रॉक्स रहता है। प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पे टेम्परेचर, डीसी, शॉर्ट सर्किट और सॉफ्ट स्टार्ट और थर्मल पावर प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसमें क्या रहता है कि आपको टेम्परेचर रिगार्डिंग, डीसी, शॉर्ट सर्किट या फिर आपका सॉफ्ट स्टार्ट, सॉफ्ट स्टार्ट का मतलब जैसे आप इसको चालू करते हैं तो ये बहुत आराम से चालू होता है और आपके जो स्पीकर है उसमें इम्पैक्ट नहीं करता तुरंत, जैसे कि आप कोई तो छोटे मोटे एम्पलीफायर अगर आपने चालू किए होंगे तो जल्दी से जैसे ही चालू करते तो आपके स्पीकर में डब से कुछ आवाज़ आता है, तो वो जो आवाज़ आता है उससे कभी कभार बहुत लोग का कभी कभार ना स्पीकर भी ख़राब हुआ है, मतलब जैसे वॉल्यूम बढ़ा के रख देते हैं और एकदम से जैसे चालू कर देते हैं तो उनका कभी कभार स्पीकर उड़ भी गया है, उड़ गया मतलब जल जाता है, ऐसा काफ़ी मेरे साथ हुआ है, मतलब मेरे साथ मतलब मैं जब फील्ड में था तो उसमें बहुत बार मैंने देखा है ये चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी इसमें इनपुट कनेक्टर पर चैनल जो ये XLR दिया है, ठीक है, और आउटपुट कनेक्टर जो है स्पीकर कनेक्टर दिया है जो कि मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है। बाकी नेट वेट देखेंगे तो इसका 21 kg के अराउंड इसका वेट रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका चैनल का स्पेसिफिकेशंस। अंत में बात कर लेते इसका प्राइस का, तो इसका जो प्राइस है समथिंग 28,000 के अप्रॉक्स रहता है, 28,000 के अप्रॉक्स रहता है। और अब इसका जो मैं आपको बेसिक कनेक्शन बता देता हूँ किस तरीके से स्टूडियो मोड में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ बेसिक स्टूडियो मोड का कनेक्शन है। अब यहाँ देखेंगे आपको ऊपर जो एम्पलीफायर है, नीचे में आपका मिक्सर है और साइड में स्पीकर्स और कुछ कुछ चीज़ लगे हुए हैं, वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या, आपका जो एम्पलीफायर है उसमें आपने क्या कनेक्ट किया है, उसमें आपने जो जितना आपको आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने 2 स्पीकर कनेक्ट किया है, एक जोन में 1 स्पीकर और दूसरे जोन में भी 1 स्पीकर, चाहे इसको आप 2 स्पीकर गिन लीजिए चाहे आप इसको 4 स्पीकर गिन लीजिए अकॉर्डिंग टू योर वॉटेज एंड इम्पिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 8, 4, 2 ओम्स अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने सेट किया है वो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और दूसरे में भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पीकर आपके स्पीकर के थ्रू कनेक्ट होके आपके स्पीकर में कनेक्ट हो चुका है वायर।
उसके बाद ये स्टीरियो मोड में आपका जो ऊपर में कनेक्टर आपका जो मोड सेलेक्टर स्विच रहेगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे स्टीरियो मोड में सेलेक्टेड है, ठीक है, इसको आपको इसी में करना है। और ये इसका जो आपका ग्राउंड है वो ऑन है, जो मतलब चेचिस के साथ आपका एक नंबर पिन जुड़ चुका है। अब इसमें जो इनपुट रहेगा वो आपका जो चैनल 1 और 2 दोनों में इंडिविजुअली आएगा आपके मिक्सर से, ठीक है, मिक्सर से इनपुट आपका इसमें आ रहा है। अब मिक्सर में इनपुट कहाँ से आएगा, मिक्सर में इनपुट वो आपको देखना है कि आप इसमें कितने माइक्रोफोन कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई ऑक्स इनपुट दे रहे हैं, वो जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करना रहेगा। अभी स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, आपका जो माइक से जो साउंड रहेगा वो मिक्सर में जाएगा, मिक्सर से जो आउटपुट रहेगा वो आपके एम्पलीफायर के इनपुट में जाएगा जो कि XLR कनेक्टर जो दिए उसमें जाएगा, और वहाँ से जो आउटपुट रहेगा वो आपके स्पीकर्स में जाएगा। बस इतना सा चीज़ रहता है। बाकी अगर आपके पास कोई एम्पलीफायर है जिसमें आपका रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए भी आपको कुछ यूज़ करना है, तो यहाँ पे CD प्लेयर दिया हुआ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब रिकॉर्डर अगर एक आपके पास है तो वो भी आप वहाँ से भी आउटपुट ले सकते हो। बाकी चाहे तो अगर आपको म्यूज़िक प्रोवाइड करना है किसी भी तरीके का, तो आप जैसे आपके पास अगर मान लीजिए स्क्रैचर वगैरह है, पाइनर वगैरह का, जो भी न्यूमार्क वगैरह का अगर आपके पास DG कंट्रोलर है, तो भी आप यहाँ पे कनेक्ट करके आप उसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। जहाँ पे CD प्लेयर है वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस आपका कनेक्शन है, छोटा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।